नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2021 परीक्षा के लिए जारी किए गए गाइडलाइन के बारे में। कोरोना के माहौल में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी, जिसके कारण ही आयोजित होने वाली परीक्षाओं की तारीख में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में जेईई मेन की परीक्षा का आयोजन कल होने वाला है, जिसको लेकर छात्रों ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि कोरोना का माहौल है तो जाहिर सी बात है कि परीक्षा के आयोजन को लेकर गाइडलाइन भी जारी की जाएगी, जिसके तहत ही जेईई मेन 2021 को लेकर विशेष गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसका पालन छात्रों को परीक्षा देने के दौरान करना होगा। हालांकि हम गाइडलाइन से पहले आपको ये बता दें कि आखिर परीक्षा के दौरान किन किन कागजातों के साथ आपको परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति मिलेगी, तो हम आपको बता दें कि आप अपने साथ एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को साथ में लेकर जा सकते हैं। प्रवेश पत्र के बिना आपका परीक्षा हॉल में घुसने की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। एडमिट कार्ड के ही माध्यम से आपके पहचान का सत्यापन किया जाएगा। प्रवेश पत्र के अलावा परीक्षार्थियों को अपना एक पहचान पत्र साथ लेकर आना अनिवार्य कर दिया गया है। ये अधिकृत फोटो आईडी ही होनी चाहिए, जिसमें स्कूल पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड इत्यादि शामिल है। इसके साथ ही वो परीक्षार्थी जो पीडब्ल्यूडी श्रेणी या पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र के तहत छूट ले रहे हैं, उन्हें प्राधिकृत चिकित्सा पदाधिकारियों के द्वारा जारी पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र लेकर आना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उम्मीदवारों को अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो साथ लेकर सेंटर पर आना होगा। केंद्र में पत्रक पर इसे चिपकाया जाएगा। यह फोटो उस फोटो से अलग नहीं होना चाहिए जो फॉर्म भरते समय उस पर अपलोड किया गया था। अब आइए आपको बताते हैं कि परीक्षा के दौरान आपको किन किन नियमों का पालन करना होगा। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए गाइडलाइन में एनटीए ने साफ किया है कि 16 मार्च से शुरू होने वाले इस परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के तय समय से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा, जिसके तहत इन 2 घंटों में परीक्षार्थियों को परीक्षा से जुड़ी अहम जानकारी दी जाएगी। हालांकि इस दौरान ये भी साफ कर दिया गया है कि जो भी छात्र निर्धारित समय पर आने में असमर्थ रहते हैं, उनके किसी भी दलील को नहीं सुना जाएगा। जिसके बाद अब यह साफ है कि परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को अपने तय समय पर ही सेंटर पर पहुंचना होगा। इसके साथ ही इन 2 घंटों में दी जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी भी उनके साथ साझा नहीं की जाएगी। इसके साथ ही इस बार कपड़ों से लेकर जूते मोजे तक के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को मोटे तलवे वाले जूते और बड़े बटन वाले कपड़ों में आने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही लड़कों को टोपी और लड़कियों को सिर पर दुपट्टा रखने की इजाजत भी नहीं होगी। हालांकि इसमें धार्मिक कारणों से पहनने वाले परीक्षार्थियों को छूट दी गई है, लेकिन यह भी साथ में साफ कर दिया गया है कि ऐसे लोग गेट बंद करने के समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर अधिकारियों को यह सूचित करें। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र पर घड़ी पहनकर जाने से मना कर दिया गया है। इतना ही नहीं, काला चश्मा जो कि धूप से बचाव के लिए पहना जाता है, उसको भी पहनने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि कोरोना को ध्यान में रखते हुए सेंटर पर मास्क और ग्लव्स को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही पारदर्शी बोतल में पानी लाने की अनुमति दी गई है और बॉल पॉइंट पेन लाने को कहा गया, लेकिन ध्यान रहे कि यह पेन भी पारदर्शी होनी चाहिए। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।